सावन में श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला ज्येष्ठ गोरनाथ महादेव मंदिर आज सुनसान पड़ा हुआ है। बांका में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 4 जुलाई से 4 अगस्त तक मंदिर बंद रखने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद महाभारत काल का ज्येष्ठ गोरनाथ महादेव मंदिर आज सुनसान पड़ा हुआ है। श्रद्धालु मंदिर के मुख्य गेट पर ही पूजा कर लौट जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के चढ़ावे से ही आरती और भोग मंदिर में लगता था, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर भी आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने लगा है। बाहर पूजा कर रहे श्रद्धालुओं ने बताया कि महाभारत काल इतिहास को अपने अंदर समेटे अमरपुर प्रखंड के चांदन नदी तट पर अवस्थित ज्येष्ठ गोरनाथ महादेव मंदिर कोरोना महामारी की वजह से वीरान पड़ा हुआ है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि यहीं पर अंग क्षेत्र के राजा कर्ण की चिता जलाई गई थी। इसका साक्ष्य चांदन नदी के बीचों बीच अभी भी विद्यमान है। इस मंदिर की प्रसिद्धि सिद्धपीठ के तौर पर है। मंदिर की स्थापना पाल वंश के शासक ने करवाई थी। सावन के महीने में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का तांता मंदिर परिसर में लगा रहता था, लेकिन कोरोना काल में जिला प्रशासन ने 4 जुलाई से 4 अगस्त तक मंदिर का पट बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इसको लेकर मंदिर के मुख्य गेट पर इश्तेहार भी चिपका दिया गया है। पुलिस जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। सैकड़ों श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन मंदिर का पट बंद रहने की वजह से मुख्य गेट पर ही पूजा कर निराश होकर लौट जा रहे हैं। फिर बनवाया है पालवंश, यहाँ अति भक्त श्रद्धालु लोग आते जाते हैं और सभी का मनोकामना पूर्ण होते हैं, इसलिए कि अभी इस जब बीच चांदन नदी के बीच में कर्णचिता भूमि है, वहाँ कर्ण को जलाया गया है और पहाड़ के दक्षिणी कोल में दक्षिणेश्वरी माँ काली है, शक्ति है वहाँ पर, ये सिद्धपीठ है, यहाँ श्रद्धालु लोग आते जाते हैं, भक्त लोग आते जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं। कोरोना के कारण जो मंदिर सरकार की तरफ से जो बंद कराया गया है, आर्थिक स्थिति में यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है कि भोग लगाने में भी आफत है और यहाँ हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाई से झेलना पड़ रहा है। पुजारी अरुण कुमार झा ने बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा पाठ कराने के बाद कुछ रुपये की आमदनी हो जाती थी, वह भी बंद है। मंदिर के प्रधान पुजारी राजा बाबा ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना पाल वंश के शासक ने की थी, तब से लेकर आज तक यह मंदिर विद्यमान है। कोरोना काल में मंदिर का पट जिला प्रशासन ने बंद करवा दिया है, जिससे श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थिति यह है कि मंदिर को भी आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है, आरती और भोग लगाने के लिए भी पैसे नहीं जुट पा रहे हैं। बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम छोटू सा की मौत दुर्गा मंदिर पुरानी हाट के समीप पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से हो गई, जिसमें हाट संवेदक की बड़ी लापरवाही सामने आई। बारिश के समय से ही उस गड्ढे को भरा नहीं गया था, जिसके कारण ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 6 वर्षीय छोटू सा पिता भूसी साह का सबसे छोटा संतान था। रविवार की दोपहर से ही वो नहीं मिल रहा था। परिजन कल से आसपास के सभी स्थानों की तलाश की, लेकिन जब नहीं मिला तो कल शाम में बौंसी थाने में इसकी गुम होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही बौंसी थाना ने घर के आसपास जाकर अच्छे से तलाशी ली, लेकिन रात हो जाने की वजह से पोखर में डूबे बच्चे का अनुमान नहीं लग पाया। लेकिन आज सुबह जब पानी में डूबे रहने से बच्चे का शव ऊपर तैरने लगा तो स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और बौंसी थाने को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर बौंसी अंचलाधिकारी गोपीनाथ मंडल भी पहुंचे और साथ ही उन्होंने बताया कि आपदा के तहत उचित मुआवजा परिजन को दिया जाएगा। सावन की तीसरी सोमवारी बांका जिला के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। जिले में वज्रपात से हुई 2 मौतों के साथ एक युवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। मामला एक ही प्रखंड का बताया गया है। इसी प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से 2 महिलाएं भी बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जानकारी के अनुसार बांका जिला अंतर्गत चानन प्रखंड के दक्षिणी सीमावर्ती स्थित विभिन्न गाँव में सोमवार को एक महिला समेत 2 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर कटसकरा गांव निवासी 26 वर्षीय मंजेश कुमार खेत में पटवन के लिए मोटर लगाने गया था। जब वह मोटर लगा रहा था तभी उसी बिजली का करंट लग गया। करंट लगने से वह छटपटा कर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। इस घटना से जहां मृतक के परिवार में कोहराम है, वहीं गांव में भी मातम का माहौल है। वैसे मातम का माहौल तो चानन प्रखंड के कुम्हारडी कसई और बाराटांड गांव में भी है, जहां वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही है।
बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक वृद्ध व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि मृतक का पुत्र भी गंभीर रूप से जख्मी है। दूसरे पक्ष के भी एक व्यक्ति घायल हुए हैं। मृतक रविंद्र मंडल के पोते अविनाश कुमार ने बताया कि राजू मंडल, कुर्चा मंडल समेत अन्य लोग रात में चलने वाले ट्रकों से लूटपाट करते थे तथा दरवाजे पर बैठकर लूटी हुई राशि का बंटवारा करते थे। इसका विरोध उसका दादा किया करते थे। रविवार की रात में राजू मंडल समेत अन्य लोग शराब के नशे में उसके घर पर आए तथा दादा से शराब के पैसे मांगने लगे। जब उसके दादा ने रुपये देने से इनकार कर दिया तब उन लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसे बचाने आए अविनाश के पिता विजय मंडल एवं चाचा अजय मंडल भी जख्मी हो गए, जबकि दूसरा पक्ष से राजू मंडल भी घायल है। सभी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने रविंद्र मंडल को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और घायल राजू मंडल को शराब के नशे में देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सबका पोस्टमार्टम सोमवार को करा दिया गया। राजू मंडल पीता है दारू, मेरे दादा को पीट पीट के मार दिया। कुछ बोलने जाता है तो हम सब कोई भी मारता है। कौन, राजू मंडल? हाँ, दिन रात सदा चोरी करता है, हमारे देरी मौका पे जाता है, ईर्ष्या करने उठा बैठा, दीवार सब पे मारता है, लात उठ से दीवारी उबारी पे से। दिन को सोएगा, रात भर चोरी करेगा, नहीं देता है, कुछ बोले तो मारने ही दौड़ता है। इस कारण मेरे दादा को पीट पीट के मार के शराब पीने। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अविनाश कुमार। घर कहाँ हुआ बेटा? गंगापुर गढ़ेल। पटना में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई पिकअप वाहन अमरपुर पुलिस की सक्रियता के कारण महागामा मोड़ के समीप बरामद कर ली गई। जानकारी के अनुसार पटना से चोर पिकअप BR01GD9525 लेकर फरार हो गए थे। पिकअप में GPS लगी हुई थी। पिकअप मालिक नागेश्वर सिंह ने GPS लॉक करते हुए घटना की जानकारी अमरपुर थाने में दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कुमार सन्नी पुलिस बलों के साथ क्षेत्र के महागामा मोड़ के समीप वाहन को खदेड़कर पकड़ लिया। पुलिस को देखते ही वाहन चोर फरार हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त पिकअप वाहन को थाना परिसर में रखते हुए पिकअप मालिक को सूचना दे दी गई है। बांका जिला के फुल्ली डूमर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बीच MDM का चावल वितरित किया गया। जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के बीच 10 किलो चावल एवं कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के बीच 12 किलो चावल का वितरण किया गया। वितरण कार्य का पर्यवेक्षण MDM RP विक्रम कुमार एवं वरीय साधन सेवी अशोक कुमार यादव ने किया। इस संबंध में MDM RP ने बताया कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद रहा, बच्चे MDM से वंचित रहे। सरकार के निर्देशानुसार मई, जून एवं जुलाई के 80 दिनों के लिए कक्षा 1 से 5 के नामांकित बच्चों को 10 किलोग्राम एवं कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 12 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाना है। चावल बच्चों के एक एक अभिभावक को बुलाकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों में लॉकडाउन से पूर्व का चावल शेष बचा हुआ है। 19 जुलाई से विद्यालयों में MDM चावल की आपूर्ति की जा रही है। जहां चावल उपलब्ध हो चुका है वहां सोमवार को चावल का वितरण किया गया। पहले दिन पड़ावचक समेत 20 विद्यालयों में चावल का वितरण किया गया। उनके अनुसार 93 प्राथमिक विद्यालयों एवं 58 मध्य विद्यालयों में MDM चावल का वितरण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय पड़ावचक में प्रभारी मोहम्मद अजीज रहमान ने सहायक शिक्षिका मंजू कुमारी, विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव प्रदीप मोहाली की उपस्थिति में MDM चावल का वितरण किया।